मेरी धड़कन तुमको चाहे मेरा दिल। सो हे गाइस, आपको टाइटल देखकर पता चल ही गया होगा कि आज हम क्या सिखाने वाले हैं। तो आप भी इस तरह का न्यू ट्रेंडिंग व्हाट्सएप स्टेटस वीडियो बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को बिना स्किप किए फुल वॉच करिएगा, और वीडियो देखने के लिए तह दिल से आपका शुक्रिया। तो अब हम वीडियो के तरफ चलें। सबसे पहले हम कैन मास्टर ऐप को ओपन कर लेंगे। कैन मास्टर ऐप ओपन करने के बाद हमें इस तरह का इंटरफेस दिखने का मिलेगा। उसके बाद हम प्लस वाले आइकन पर हम क्लिक करेंगे। प्लस वाले आइकन पर क्लिक करने के बाद हम 16:9 का रेशियो सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हम एक फ़ोटो सिलेक्ट करेंगे, जिस फोटो से आप स्टेटस वीडियो बनाना चाहते हैं उस फोटो का सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद हम इस फोटो पर हम क्लिक करेंगे और इसका टाइमलाइन ड्यूरेशन हम 20 सेकेंड कर देंगे। आप अपने मर्जी अनुसार कर सकते हैं, आप जितने लंबा स्टेटस वीडियो बनाना चाहते हैं उतने लंबा बना सकते हैं, आपकी मर्जी। उसके बाद हम यहाँ पर टिक वाला ऑप्शन दिख रहा है उस पर क्लिक करके हम ओके कर देंगे। उसके बाद हम फिर से शुरू में चले आएंगे। शुरू में आने के बाद हम फिर से इस फोटो पर क्लिक करेंगे और यहाँ विग्नेट वाला ऑप्शन दिख रहा है उस पर क्लिक करके इसे हम इनेबल कर देंगे। उसके बाद हम यहाँ एडजस्टमेंट दिख रहा है उस पर क्लिक करेंगे और ब्राइटनेस को थोड़ा सा कम करके और कॉन्ट्रेस्ट को थोड़ा सा बढ़ा देंगे, और सैचुरेशन को भी थोड़ा सा हम बढ़ा देंगे। उसके बाद हम ओके कर देंगे। उसके बाद हम इस फोटो को 5-5 सेकेंड पर हम कट कर लेंगे। तो इस फोटो पर हम क्लिक किए और यहाँ पर कैचिंग वाले ऑप्शन दिख रहा है उस पर क्लिक करेंगे और स्प्लिट एट प्लेहेड पर क्लिक करके हम कट कर लेंगे। सेम 5-5 सेकेंड पर हम सेम कर लेंगे। कट करने के बाद हम यहाँ पर टिक वाला ऑप्शन दिख रहा है उस पर क्लिक करके हम ओके कर देंगे। उसके बाद हम शुरू में चलाएंगे। शुरू में आने के बाद हम फिर से लेयर पर क्लिक करेंगे। लेयर पर क्लिक करने के बाद हम मीडिया पर क्लिक करेंगे और एक टेम्पलेट वीडियो सिलेक्ट कर लेंगे, जिस टेम्पलेट वीडियो से हम स्टेटस वीडियो बनाना चाहते हैं उस टेम्पलेट वीडियो को हम सिलेक्ट कर लेंगे। और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर स्क्रीन वाला ऑप्शन दिख रहा है उस पर हम क्लिक करके हम फुल स्क्रीन कर देंगे और ओके कर देंगे। ओके करने के बाद हम फिर से इस टेम्पलेट वीडियो पर क्लिक करेंगे और नीचे चलाएंगे। नीचे आने के बाद यहाँ पर क्रोमा की वाला ऑप्शन दिख रहा है उस पर क्लिक करेंगे और इसे हम इनेबल कर देंगे। इनेबल करने के बाद यहाँ पर की कलर दिख रहा है उस पर क्लिक करेंगे और एक ग्रीन कलर का कलर सिलेक्ट हम कर लेंगे। और उसके बाद यहाँ पर टिक वाला ऑप्शन दिख रहा है उस पर क्लिक करके हम ओके कर देंगे, उसे भी हम ओके कर देंगे। उसके बाद हम शुरू वाले फोटो पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर जूम वाला ऑप्शन दिख रहा है उस पर क्लिक करके बराबर पर क्लिक करके अपने फिंगर की मदद से हम इस फोटो को इस तरीके से जूम कर लेंगे। सारे फोटो को सेम हम कर लेंगे, सेम टू सेम करेंगे। उसके बाद हम ओके करते हैं। उसके बाद हम फिर से शुरू में चलाएंगे। शुरू में आने के बाद हम
फिर से शुरू वाले पर फोटो पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर क्लिप ग्राफिक वाले ऑप्शन दिख रहा है, उस पर क्लिक करेंगे और ओवरऑल ओवरऑल एनिमेशन पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हम ये बारे वाला ऑप्शन पर क्लिक करके हम इसको हम ले लेंगे, उसके बाद हम ओके कर देंगे। उसके बाद हम फिर से दूसरे वाले फोटो पर क्लिक करेंगे, सेम टू सेम क्लिप ग्राफिक पर क्लिक करके ओवरऑल एनिमेशन टू वाले को हम ये वाले को हम ले लेंगे। लेने के बाद हम ऑप्शन पांच वाले पर हम क्लिक कर देंगे। उसके बाद हम तीसरे वाले पर सेम टू सेम क्लिक करके हम सेम क्लिप ग्राफिक में चले जाएंगे और ओवरऑल एनिमेशन में जाने के बाद हम सत्रह वाले नंबर का ऑप्शन सिलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद हम ओके कर देंगे। उसके बाद हम चौथे वाले पर क्लिक करेंगे, सेम टू सेम क्लिप ग्राफिक पर क्लिक करके ओवरऑल एनिमेशन टू पर हम क्लिक करेंगे और नौ नंबर का ऑप्शन हम सिलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद हम ओके कर देंगे। उसके बाद हम फिर से शुरू में चले आएंगे, शुरू में आने के बाद हम फिर से लास्ट में जाएंगे। लास्ट में जाने के बाद हम इस टेम्पलेट वीडियो को 20 सेकेंड पर हम कट कर लेंगे, उसके बाद ओके कर देंगे। उसके बाद हम यहाँ पर एयर वाला ऑप्शन दिख रहा है, उस पर क्लिक करके इस वीडियो को हम सेव कर लेंगे। उसके बाद हम सेव करने के बाद हम फिर से बैक चले आएंगे। बैक आने के बाद हम इस टेम्पलेट वीडियो को डिलीट कर देंगे और ये फोटो को भी हम डिलीट कर देंगे और एक फोटो हम रहने देंगे। उसके बाद इस फोटो को हम फिर से 20 सेकेंड कर देंगे टाइमलाइन ड्यूरेशन, और ओके कर देंगे। उसके बाद इस फोटो पर क्लिक करके इसमें लगे हुए क्लिप ग्राफिक को हम नॉन कर देंगे, उसके बाद हम ओके कर देंगे। उसके बाद हम फिर से लेयर पर क्लिक करेंगे। जिस वीडियो को अभी हमने सेव किए हैं उस वीडियो को हम ले लेंगे और यहाँ पर स्क्रीन वाला ऑप्शन दिख रहा है, इस पर हम क्लिक करके इसे हम फुल स्क्रीन कर देंगे, उसके बाद हम ओके कर देंगे। उसके बाद हम इस वीडियो को थोड़ा सा आगे कर लेंगे और ये नीचे वाले ऑप्शन जिस वीडियो को हम अभी लिए हैं सेव किए हुए वीडियो को, इस वीडियो पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर क्रोमा की वाला ऑप्शन दिख रहा है, उस पर हम क्लिक करके इसे हम इनेबल कर देंगे। इनेबल करने के बाद यहाँ पर की कलर दिख रहा है, उस पर हम क्लिक करेंगे और एक ग्रीन कलर का हम सिलेक्ट कर लेंगे कलर, उसके बाद हम ओके कर देंगे। उसके बाद हम इसमें लगे हुए ऑडियो को हम म्यूट कर देंगे। उसके बाद हम फिर से शुरू वाले फोटो पर क्लिक करेंगे, क्लिप ग्राफिक दिख रहा है, उस पर हम क्लिक करके नीचे चलाएंगे। नीचे आने के बाद यहाँ पर म्यूजिक एल्बम दिख रहा है, उस पर हम क्लिक करेंगे और नंबर पाँच का हम ऑप्शन हम सिलेक्ट करके लगा लेंगे।
ये लगाने के बाद हम यहाँ टाइटल टेक्स्ट दिख रहा है, यहाँ पर आपको जो अच्छा लगे, जो आपको अच्छा लगता है वो आप लिख सकते हैं। जैसे हम लिख लेते हैं और उसके बाद यहाँ पर आने के बाद आप हैंड राइटिंग भी चूज कर सकते हैं, आप जिस टाइप का हैंड राइटिंग रखना चाहते हैं आपकी मर्जी। उसके बाद हम ओके कर देंगे। उसके बाद हम सी कैन टाइटल टेक्स्ट पर क्लिक करके लव लिख लेंगे, लव यू। उसके बाद यहाँ पर ए वाले ऑप्शन दिख रहा है, उस पर क्लिक करके हम अपने टेक्स्ट को चेंज कर सकते हैं, अपने डिजाइन अनुसार रख सकते हैं, आपको जो अच्छा लगे। ये वाले हम रख लिए, उसके बाद हम ओके कर देंगे। उसके बाद हम तीसरे टेक्स्ट पर क्लिक करेंगे और एक शायरी लिख लेंगे। उसके बाद हम ओके कर देंगे। उसके बाद हम फिर से लेयर पर क्लिक करेंगे और एक ऑडियो सिलेक्ट कर लेंगे। आप यहाँ पर जाकर भी ऑडियो सिलेक्ट कर सकते हैं, तेरा MP3 में हमारा ऑडियो नहीं था, इसके लिए हम वीडियो से एक ऑडियो सिलेक्ट कर लेते हैं। आप यहां से भी ऑडियो सिलेक्ट कर सकते हैं या वीडियो से भी आप ऑडियो सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद हम देखें कि हमारा वीडियो किस तरह का बना है। सो हे गाइस, हमारा वीडियो बहुत कमाल का लग रहा है। सो हे गाइस, आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हम जब भी नए नए वीडियो डालें तो आप तक जल्द से जल्द चले जाएं। उसके बाद हम यहां पर एडिट ऑप्शन दिख रहा है, उस पर क्लिक करके वीडियो को सेव कर लेंगे।